और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग का आज 8वां दिन है। दोनों देशों ने बीते 7 दिनों में एक दूसरे के हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को विशेष सैन्य कार्रवाई बताया था। रूस ने पहली बार बुधवार 2 मार्च को स्वीकार किया है कि यूक्रेन में 24 फरवरी के बाद से उनके 498 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस जंग में अब तक उसके 1557 सैनिक घायल भी हुए हैं। रूस ने इससे पहले सैनिकों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया था, लेकिन उसने कोई संख्या नहीं बताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगनर ने बुधवार को रूसी सेना पर हुए भारी नुकसान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इसे एक गलत जानकारी बताया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मारे गए सैनिकों के परिवार को हर तरह की जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। आइगर ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन में जारी ऑपरेशन में उन लोगों को भेजा गया जिन्हें जबरन सेना में भर्ती किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगनर ने दावा करते हुए कहा कि अब तक 2,880 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और करीब 3,700 सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा 572 सैनिकों को रूस के द्वारा पकड़ा गया है। आपको बता दें, यूक्रेन ने भी गुरुवार यानी कि 3 मार्च को दावा किया है कि 24 फरवरी के बाद से अब तक करीब 9,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सैन्य सलाहकार ने कहा कि रूस में कई सीनियर अधिकारियों समेत सैकड़ों सैनिकों को पकड़ा गया है। रूसी सेना के एक कमांडर के गंभीर रूप से घायल होने के चलते उन्हें बेलारूस भेज दिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों को मारे जाने के रूस के दावों पर यूक्रेन के अधिकारियों ने अब तक हालांकि कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि रूसी हमले में 2,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूएन ने कहा कि 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। उधर यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार यानी UNHR की ओर से कहा गया है कि 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच रूसी सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन के 227 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 28 बच्चों समेत 525 यूक्रेनी नागरिकों रूसी हमले में घायल हो चुके हैं। हालांकि संस्था की ओर से यह भी कहा गया है कि इस जंग में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या और अधिक हो सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के मुताबिक रूस के हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश में जा चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई थमती नहीं दिख रही है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रूस ने दक्षिणी शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। एक हफ्ते की जंग के बाद यह पहला बड़ा शहर है जिस पर रूस ने कब्जा किया है। आपको बता दें कि खेरसोन की आबादी 2,90,000 है और ये ब्लैक सील से सटा हुआ है। ये शहर क्रीमिया की भी नजदीक है जिस पर रूस ने साल 2014 में कब्जा किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।